इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने कार मॉनिटर के साउंड को अपने एम्पलीफायर में, यहाँ पे जो एम्पलीफायर लगा हुआ है, इसमें कैसे चलाएं। कहने का मतलब है कि इसमें जो साउंड प्ले होगा हमारे एम्पलीफायर में चलेगा बिना किसी वायर के। तो चलिए, इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम सेटिंग को ओपन करेंगे और यहाँ नीचे हम चले जाएंगे FM फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे देखिए FM फ्रीक्वेंसी ऑफ है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, ऑन कर देंगे। देखिए 8.70 ये सेटिंग हो चुका है। इसको कनेक्ट करने के लिए हम अपने कार एम्पलीफायर में आएंगे और यहाँ पे देखिए इसका जो है फ्रीक्वेंसी जो सेम होना चाहिए। तो हमारे कार मॉनिटर में जो फ्रीक्वेंसी है 87.70 है, तो इसमें भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेम हो गया, कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो भी सॉन्ग प्ले करेंगे वो हमारे कार मॉनिटर में चलेगा। अगर चलिए आपको एक बार और कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्ले हो रहा है, वर्क भी कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी वर्क कर रहा है। इसी तरह हम कनेक्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप 87.70 फ्रीक्वेंसी पे ही कनेक्ट करें, इसमें जितने भी फ्रीक्वेंसी दिए हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आपको कोई और फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी 87.90 कर दिया है, तो उसके लिए आपको इस एम्पलीफायर में भी 87.9 करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 87.9 आ चुका, अगर ऐसे करेंगे तो बैक हो जाएगा। 87.9 अपने आप पकड़ लेता है। जो भी फ्रीक्वेंसी रहता है ऑटोमेटिकली स्कैन करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं फिर से सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। इसको जैसे बैक करेंगे यहाँ पे देखिए सॉन्ग प्ले हो चुका है और यहाँ पे भी वर्क भी कर रहा है। देखिए यहाँ पे सॉन्ग वर्क भी कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम तेज और धीमा भी हो रहा है।